नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य अभिजीत शर्मा हमारे आपके हम सबके चैनल ज्योतिष ज्ञान में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ शरीर पर दिखने वाले तिलों के बारे में। ज्योतिष के आधार पर शरीर पे कुछ ऐसे मुख्य स्थान है जहाँ तिल होना बहुत ही अच्छा और शुभ माना जाता है। मानव शरीर में प्राकृतिक तौर पर कई जगह तिल होते हैं। कई लोगों को शरीर के ये तिल बहुत अच्छे लगते हैं तो कई लोगों को तिल के होने न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मित्रों, तिलों का अच्छा लगना या शरीर पर तिल होने से कोई फर्क पड़ना यह मैटर नहीं करता। दरअसल ये सब इस बात पर निर्भर करते हैं कि व्यक्ति के शरीर पर तिल कहाँ है। वैसे तो शरीर के अलग अलग स्थान पर तिल होने के महत्व का वर्णन शास्त्रों में बताया गया है, किंतु आज इस वीडियो में मैं आपको ऐसे चार मुख्य स्थानों के बारे में बताने जा रहा हूँ जिस भी व्यक्ति के इन चार स्थानों पर होते हैं तिल, उन्हें शास्त्र मत अनुसार बताया जाता है भाग्यवान। कौन से हैं वे चार स्थान, इसकी विस्तृत जानकारी प्रारंभ करने से पहले मित्रों आपसे निवेदन करना चाहूंगा, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी ऑन कर लें ताकि अपलोड वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। मित्रों, इसी चैनल के माध्यम से हम आप तक रोज ऐसी ही रोचक जानकारियां पहुंचाते हैं। तो आइए जान लेते हैं कौन से हैं वे चार स्थान जहां तिल होने से शास्त्र अनुसार अति शुभ माना जाता है। पहला मुख्य स्थान हमारे चेहरे पर होठों के नीचे का हिस्सा, जिसे हम ठोड़ी कहते हैं। जी हाँ, ठोड़ी पर तिल होना सीधे तौर पर शुभ संकेत माना जाता है। शास्त्र मत अनुसार जिन लोगों की ठोड़ी पर तिल होता है उन व्यक्तियों के सदैव बिगड़े काम बनते हैं। ऐसे लोगों की फाइनेंशियल स्थिति भी अच्छी पाई जाती है। यदि किसी पुरुष के ठोड़ी पर तिल हो तो ऐसा व्यक्ति पैसे कमाने का जुनूनी पाया जाता है। तो वहीं जिस महिला के यहाँ तिल होता है उन्हें अन्य महिलाओं से ज्यादा सजना संवरना पसंद होता है। यह महिलाएं अन्य महिलाओं की अपेक्षाकृत सजने संवरने में अधिक पैसा खर्च करती है। ठोड़ी पर तिल होने से व्यक्ति को कम मेहनत में अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं और व्यक्ति कम प्रयासों में अच्छा मुकाम हासिल कर लेता है। जिन व्यक्तियों की ठोड़ी पर तिल होता है ऐसे व्यक्तियों में कोई ना कोई कला अवश्य होती है, किंतु अक्सर देखा जाता है कि जो कला इनमें गॉड गिफ्टेड होती है उस पर ध्यान ना देकर यह लोग अन्य कार्यों में ही भागादौड़ी करते पाए जाते हैं। जिन लोगों की ठोड़ी पे बिल्कुल बीच में तिल होता है ऐसे लोगों की अपने पार्टनर के साथ बहुत अच्छी बनती है। शास्त्र मत अनुसार व्यक्ति के शरीर का दूसरा मुख्य स्थान जहां तिल होना माना जाता है अति शुभ, वह स्थान है आपकी दोनों आंखों के बीच का मध्य भाग, जिसे हम नाक या नोज कहते हैं। जी हाँ, शास्त्र मत अनुसार जिन लोगों के नाक पर तिल होता है ये लोग मन के साफ होते हैं। थोड़ी नखराली प्रवृत्ति भी इन लोगों में देखी जा सकती है। हंसी मजाक करना इन्हें पसंद होता है, किंतु मन में किसी के लिए द्वेष भावना छल कपट नहीं रखते। यह लोग स्वाभिमानी भी होते हैं, वे स्वयं के कर्म पर विश्वास रखते हैं और स्वयं की मेहनत के दम पर ही जीवन में आगे बढ़ते हैं। जिन व्यक्तियों के नाक पर तिल होता है इन्हें जीवन में ग्रोथ अवश्य मिलती है। शास्त्र मत अनुसार जिनके नाक पर तिल होता है उन्हें 32 वर्ष के बाद सफलताओं की अनुभूति प्राप्त होना प्रारंभ हो जाती है। यह लोग जॉब करें या व्यवसाय, इन्हें जीवन में अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। बात करें यदि महिलाओं की, तो जिन महिलाओं के नाक पर तिल होता है ऐसी महिलाएं गृह कार्य से अधिक करियर में एक श्रेष्ठ मुकाम हासिल करने में अधिक रुचि रखती है। साथ ही ऐसे व्यक्ति जिनके नाक पर तिल होता है ये लोग वाणी के मधुर व शब्दकोश के धनी पाए जाते हैं। तो आइए जान लेते हैं शरीर का कौन सा है वह तीसरा स्थान जहाँ तिल होना माना जाता है अति शुभ। तो मित्रों, वह स्थान है आपके हाथ की हथेली। शास्त्र मत अनुसार हथेली पर तिल होना शुभ माना जाता है। इसमें शुभता का प्रभाव अधिक मात्रा में तब देखा जा सकता है जब पुरुष के राइट हैंड में व महिला के लेफ्ट हैंड में तिल हो, और इस तिल के सोने पर सुहागा तब लग जाता है जब आप मुट्ठी बंद करें और तिल मुट्ठी में बंद हो जाए। जिस व्यक्ति की मुट्ठी बंद करने पर मुट्ठी में तिल बंद हो जाता है ऐसे व्यक्ति को बहुत लक्की माना जाता है। इन लोगों का जीवन कुशल मंगल तो होता ही है, साथ ही ऐसे लोग धनवान भी होते हैं। किसी भी प्रकार के कार्य, छोटे हो या बड़े, इनके कार्य बड़े आसानी से हो जाते हैं। विवाह पश्चात इन लोगों को ससुराल पक्ष से परिपूर्ण सम्मान मिलता है। चौथा स्थान है मित्रों व्यक्ति की पीठ, जिसे शास्त्र मत अनुसार माना गया है शुभ। जी हाँ, शास्त्र मत अनुसार पीठ पर तिल होना अति शुभ माना जाता है। ऐसे व्यक्ति घूमने फिरने के शौकीन होते हैं, वह बड़े रोमांटिक मिजाज के होते हैं। यह लोग बड़े खुश मिजाज के होने के साथ साथ दूसरों को खुश रखने का भी प्रयास करते हैं। परिवार की केयर करने वाले व जीवन में कम उम्र में ही श्रेष्ठ मुकाम हासिल कर लेते हैं। मेहनत से अधिक वाणी से धन अर्जित करने के योग इन लोगों में पाए जाते हैं। कुटुंब, परिवार, बच्चों का सुख इन्हें परिपूर्ण रूप से मिलता है
और आज के समय के अनुसार देखा जाए तो परिवार के सुख से बड़ा शायद ही कोई और सुख होगा। तो मित्रों, शास्त्र मत अनुसार व्यक्ति के शरीर पर उत्पन्न यह है वह चार स्थान जहां पर तिल होना शास्त्र मत अनुसार माना जाता है अति शुभ। वह ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है भाग्यवान। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कल ऐसी ही एक और रोचक जानकारी के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।